अंदेशा। वन रक्षक बना रहा था वीडियो, शिकारियों ने मार दी गोली। बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के देवास से, जहां एक वन रक्षक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। उज्जैन के वन रक्षक की गोली मारकर हत्या देवास जिले के जंगल में हुई। वारदात पुलिस कर रही है जांच। वन तस्करों द्वारा हमला किए जाने की आशंका है। देवास जिले अंतर्गत पूजापुरा वन क्षेत्र में एक वन रक्षक की गोली मारकर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बीती रात देवास जिले के पूजापुरा के जंगल में वनकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि उसकी हत्या किसने और क्यों की, लेकिन वन तस्करों द्वारा वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। मृतक फॉरेस्ट गार्ड मदन लाल वर्मा है, जो देवास वन परिक्षेत्र अंतर्गत रतनपुर बीट गार्ड में तैनात था। बताया जा रहा है कि ड्यूटी से वापस न लौटने पर बीती रात पुलिस और वन अमले की सर्चिंग में पुंजपुरा वन परिक्षेत्र में कक्ष क्रमांक 532 छोटी तलाई के पास उसका शव जंगल में खून से लथपथ मिला। प्रथम दृष्टिया गोली लगने के निशान मिले हैं। आज सुबह उदयनगर में उसके शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वन रक्षक का अंतिम संस्कार गृह नगर उज्जैन में किया जाएगा। वन मंडल अधिकारी देवास पीएन मिश्रा के अनुसार पोस्टमार्टम के पश्चात मृतक का अंतिम संस्कार संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ वन अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में उनके गृह नगर उज्जैन में किया गया। मृत वन रक्षक को शासन के समस्त देय विशेष अनुदान 10 लाख रुपए व परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। रिपोर्ट सत्तार खान। देखिए, वन विभाग के कर्मचारियों की सूचना पर अभी पुलिस थाना उदयनगर में प्रकरण दर्ज किया गया है। हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से आगे इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। थैंक यू।